आज हम लोगों का टॉपिक है क्लास टेंथ का जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होता है ना, वो 100 नंबर का होता है। उसमें कई पार्ट्स हैं, मुख्यतः 4 पार्ट्स हैं। पहला होता है इतिहास, भूगोल, दूसरा होता है भूगोल, तीसरा नागरिक शास्त्र और चौथा होता है आपदा प्रबंधन, और एक और होता है पाँचवा अर्थशास्त्र। 5 भाग हो जाते हैं, ठीक है ना। 5 भाग में इसका एग्जाम होगा आपका सामाजिक विज्ञान का। तो उसमें से भाग जो है आपका जियोग्राफी यानी कि भूगोल, भूगोल का जो चैप्टर है ना, सॉरी किताब है आपका, उसके कवर पर लिख रहा था भारत संसाधन एवं उपयोग, माने भारत में जो संसाधन है, संसाधन क्या है वो भी पढ़ेंगे हम लोग, भारत में जो संसाधन है उसका उपयोग कैसे हो रहा है, किस कदर हो रहा है, किस ढंग से हो रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप इस पाठ में पढ़िएगा। पहले तो ये जानना पड़ेगा कि भाई भूगोल क्या होता है, पहले हम लोग यही से शुरू करेंगे कि भूगोल क्या है, और भूगोल को हम लोग पढ़ेंगे नहीं समझेंगे। ठीक है, भूगोल जो शब्द है ना उसका अंग्रेजी है जियोग्राफी, जियोग्राफी क्या होता है जियोग्राफी। भूगोल वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत हम लोग पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप या पृथ्वी की संरचना और उसकी प्राकृतिक भागों तथा पृथ्वी में पाए जाने वाले खनिज तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं। ये का डिफिनेशन हो गया। ये क्या है, एक किताब है, शास्त्र है जिसमें पृथ्वी का जो बाहरी भाग होता है ना उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। पृथ्वी के अंदर जो प्राकृतिक चीज, पृथ्वी के ऊपर है, पृथ्वी के अंदर है, और जो खनिज तत्व है, जो प्राकृतिक संपदा पाई जाती है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कहाँ पे कैसा संपदा है, कितना है, किस प्रकार का है, कैसे उपयोग में आ रहा है, इस सब के बारे में इसमें हम लोग पढ़ते हैं। मतलब क्या, टोटली एक शब्द में बोले तो क्या, संसाधन के बारे में ही ज़्यादातर हम लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। और अलग अलग क्षेत्र है, भूगोल का मतलब क्या होता है, अलग अलग, भूगोल ये भू माने पृथ्वी जो है ना उसी के बारे में अध्ययन करते हैं। पृथ्वी के ऊपरी भाग के बारे में ज़्यादातर हम लोग पढ़ते हैं, अंदर में भी जो होता है उसके बारे में भी पढ़ते हैं, जलवायु के बारे में भी पढ़ते हैं, है ना, पर्यावरण के बारे में भी पढ़ लेते हैं इसमें, है ना। तो ये भूगोल के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्या है, भूगोल जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जियोग्राफी कहा जाता है। जियोग्राफी शब्द जो है ना ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका निर्माण 2 शब्दों से हुआ है, एक है जियो, दूसरा है ग्राफो। जियो, जियो देखिए यहाँ पे क्या करा, पृथ्वी, और जियो का अर्थ होता है लिखना। देखिए यहाँ पे करा है क्या, देखिए यहाँ पे जियो, जियो ये छूट गया है। इसमें जो जियो शब्द है ना, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो हम समझाना चाह रहे हैं वो समझिए, इसमें जो देख रहे हैं जियो शब्द है ना, ये जियो, ये जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। क्या होता है, पृथ्वी। जियो का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी। और जो यहाँ पे एक वर्ड है ग्राफो, इसका मतलब होता है, ग्राफो का मतलब होता है वर्णन करना या लिखना, उसके बारे में लिखना। मतलब जियोग्राफी का मतलब क्या हो गया, आपको सीधी भाषा में समझाएं तो जियोग्राफी जो शब्द है ना, जियोग्राफी, जियोग्राफी ये वर्ड 2 भागों में टूट गया, जियो प्लस ग्राफो। ग्राफो के सर एफ में ओ नहीं है, तो ग्रीक भाषा में जो होता है ना, ग्रीक भाषा के शब्द से ग्राफो बना है। तो जियो ये बना है, पड़ा है जियो, इसका मतलब क्या होता है, पृथ्वी। क्या होता है, पृथ्वी। और दूसरा क्या है, ग्राफो। क्या होता है, ग्राफो। इसको इधर लिख देते हैं हम लोग, आवाज नहीं करिए, इसका मतलब है ग्राफो। तो ग्राफो का मतलब क्या होता है, लिखना या वर्णन करना, इसके बारे में बताना, वर्णन करना, वर्णन करना बस, या उसके बारे में लिखना या उसके बारे में कुछ समझाना। तो जियो माने पृथ्वी, यानी पृथ्वी के बारे में वर्णन करना, ग्राफो माने क्या, वर्णन करना, पृथ्वी के बारे में वर्णन करना ही इसका अर्थ होता है। मतलब जियोग्राफी शब्द का अर्थ ही होता है पृथ्वी के बारे में वर्णन करना, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया होगा पूरा क्लियरली। अब बात करते हैं हम लोग आगे की, इसमें खंड क है, खंड क में जो आप पढ़िएगा ना, मतलब क्या है, भारत संसाधन एवं उपयोग का जो किताब है उसका पहला चैप्टर भी यही है, भारत संसाधन एवं उपयोग। अब बात आती है कि भारत संसाधन एवं, इसमें हम फ्लाइट मोड में कहाँ डालते हैं, एक तो दिमाग लगा लिए हैं कि गाना बंद कर दिए हैं, गाना बंद कर दिए हैं तो कॉपीराइट क्लेम उसमें नहीं आता है। तो ये जो किताब है भूगोल का आपका, इसका किताब का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, और पहला जो चैप्टर है ना उसका भी नाम क्या है, भारत संसाधन एवं उपयोग। उसका खंड क, ख, ग, घ इस तरह से चलता है। तो खंड क में जो पढ़ना है ना उसका नाम है
क्या? प्राकृतिक संसाधन। क्या? प्राकृतिक संसाधन। भाई प्राकृतिक संसाधन बाद में समझेंगे, पहले तो ये तो समझिए कि संसाधन क्या है। ध्यान दीजिएगा, संसाधन क्या है? संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक सभी भौतिक एवं जैविक वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, कह रहा है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में, आप मानव हैं, हम मानव हैं, उसकी आवश्यकता की पूर्ति में जिस चीजों का, भौतिक चीज माने, भौतिक माने क्या, वस्तु या जैविक चीज, जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब जो हमारे उपयोगी है, हमारे लिए उपयोगी है, हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, सब क्या है? संसाधन है। जैसे अभी आप बेंच पर बैठे हुए हैं, बेंच संसाधन है। डेस्क पर किताब रखे हुए हैं, डेस्क संसाधन है। फैन का यूज कर रहे हैं कुछ हवा लेने के लिए, वो क्या है? फैन संसाधन है। डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, वो भी संसाधन है। दुनिया में वो सब चीज़ जिसका उपयोग आप करते हैं, या कलम हो, किताब हो, कॉपी हो, चप्पल हो, जूता हो, घर हो, कपड़ा हो, जितना भी चीज़ है जिसका भी उपयोग हम लोग करते हैं अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, वो सब क्या है? संसाधन है। ओके, अब बात करते हैं संसाधन को कितने प्रकार के में बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया। देखिए यहाँ पे इसका आंसर भी समझ लीजिए। संसाधन में थोड़ा सा एग्जांपल देख लीजिए, भूमि हो, मृदा हो, जल, खनिज पदार्थ, वनस्पति हो, पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, जल में रहने वाले जलीय जीव हो, या मानव का जीवन हो, मानव स्वयं हो, सब संसाधन, मानव भी संसाधन है। अब संसाधन कितने प्रकार के होते हैं उसको समझ लेते हैं। संसाधन मुख्यतः बांटा गया उसको तीन भागों में, कितने भागों में? तीन भागों में, या दो बांटा गया, मतलब संसाधन को बांटा गया कितने भागों में? तीन भागों में, याद कर लिए, तीन भागों में, यहाँ पे ऐड कर लिया तीन भाग। पहला क्या है? प्राकृतिक संसाधन, बिल्कुल सही है, ये बन गया नोट्स, प्राकृतिक संसाधन, जिन भाई ने ये बनाया है, मेहनत किया। प्राकृतिक संसाधन में क्या है? वैसे सभी संसाधन जो, वे संसाधन जो प्राकृतिक अर्थात ईश्वर द्वारा निर्मित किए गए हैं, जिसको भगवान ने बनाया है, भगवान द्वारा निर्मित है, उसी हम कहेंगे क्या? प्राकृतिक संसाधन। जैसे नदी, नदी को इंसान ने बनाया, कुछ नदियों को इंसानों ने खुदवाया है, परंतु हम लोग नदी को प्राकृतिक ही मानते हैं। जंगल, खनिज, समुद्र, पृथ्वी, वायु, सूर्य का प्रकाश, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन, प्रकृतिक द्वारा निर्मित है, प्राकृतिक ने दिया है। और दूसरा क्या होता है? मानवीय संसाधन। क्या होता है? या मानव निर्मित संसाधन भी कहते हैं इसको, मानव निर्मित संसाधन। वैसा संसाधन जिसका निर्माण मानव स्वयं करता है, मानव खुद करता है, उसे क्या कहते हैं? अब जैसे देखिए ना, पेड़ है, तो पेड़ है तो पेड़ एक संसाधन है, कौन संसाधन है? रे रखा बैठ जाओ, पेड़ क्या है? पेड़ को काट दिए, तख्ता बनवा लिए, लोहार को बुलवाए, डेस्क बेंच बना के दिए, या वो कुर्सी बना के दिए, तो कुर्सी भी तो भगवान द्वारा बनाया गया था ना, पेड़, पेड़ भगवान बनाया, कुर्सी भगवान नहीं बनाया। मगर एक बात देखिए, उस तो है तो प्राकृतिक चीज का बना ही, मगर बनाया किसने? उसका जो जो जिस चीज से बना है वो भगवान बनाया है। दुनिया में जितनी भी चीज़ है जो इंसान बनाता है, वो थोड़ी ही जन्म के साथ पैदा होकर ले आता है, आता तो भगवान बनाते तो पहले भगवाने हैं, इंसान उसका रूप को बदल देता है ना। ये पॉलीमर रासायनिक अभिक्रिया से बना है, बनाना स्टाइलिश, पंखा, जितना कपड़ा, ये सब क्या है? इंसानों ने बनाया है, परंतु भगवान द्वारा निर्मित पदार्थों से ही बनाया है, ये मानव निर्मित है, जिसको ने, जिसको इंसानों ने बनाया, कुर्सी, टेबल, डेस्क, बेंच, ये इंसानों ने क्या किया? प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करके बनाया अपने जरूरत के हिसाब से। अब पेड़ पे जाकर तो नहीं बैठेंगे हम लोग, डेस्क बेंच पर बैठते हैं, है ना, बात समझ रहे हैं ना। लकड़ी तो पेड़ था, तो पेड़ पर नहीं बैठेंगे ना जाके हम लोग, डेस्क बेंच पर बैठे हुए हैं। तो इंसान ने क्या किया? अपना बुद्धि लगाया, पेड़ को काटा, पतला पतला बना दिया तख्ता, उसको काट कुट के डिजाइन बना के डेस्क बेंच ठोक दिया, क्या हो गया? ये डेस्क बेंच जो बन गया ये मानव निर्मित हो गया, क्या हो गया? अब तीसरा है मानव संसाधन, क्या है? मानव संसाधन, मानव खुद संसाधन है, क्या है? मानव खुद संसाधन है, याद रखिएगा, मानव खुद क्या है? तो क्या आपको खाली सामान्य हेल्प करता है? क्या मनुष्य हेल्प नहीं करता है? मनुष्य भी हेल्प करता है। क्या बाल नहीं कटवाते हैं? क्या बाल कटवाने जाते हैं तो कोई आदमी काटने के लिए बैठा हुआ वहाँ पे, तो आपको हेल्प कर रहा है वो, नहीं होता तो अगर दुनिया के जितने लोग बाल काटते हैं वो बाल कटना बंद कर दें तो आप सोचिए कैसा हो जाएगा, आदि मानव बन जाइएगा आप, इतने लंबे लंबे बाल, घने घने, है ना।
जो कपड़ा सिए हैं, जो भी कपड़ा पहने, कोई सिया है, सियन है इस लगा हुआ, वो भी कोई इंसान ने सिया है। वो इंसान अगर कपड़ा सीना, जितने भी दुनिया के इंसान हैं जो कपड़ा सीते हैं, सब बंद कर दें, सब लोगों को फिर पहले जंगली जानवर की तरह रहना पड़ेगा, विदाउट क्लॉथ, कपड़े बिना। ये घर बना है, इसको भी किसी इंसान ने बनाया। तो जो हजाम हैं, बाल काट रहे हैं, जो दर्जी हैं, जो कपड़ा सी रहे हैं, जो लोहार हैं, जो आपको डेस्क बेंच बना के दे रहे हैं, कुर्सी बना के दे रहे हैं, वो भी तो आपको सेवा दे रहे हैं। उसी प्रकार से हम भी तो आपको पढ़ा रहे हैं, हम भी तो आपको सेवा दे रहे हैं। इसके बदले में सबको सेवा के बदले में पैसा मिलता है। रे लड़का रे, तो जो लोग हैं, जो लोग तुम्हारी सहायता कर रहे हैं, हजाम चाहे दर्जी, वो तुम्हारा काम करते हैं। काम करने के बदले, काम करने के बदले में क्या ले रहे हैं तुमसे? पैसा ले रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं। काम करेंगे तो पैसा तो मिलना चाहिए, मजदूरी तो होनी चाहिए ना उसकी। मजदूरी नहीं मिलेगा उसका तो घर कैसे चलेगा उसका? उसको तो बेचारा वही रोजी रोटी से कमाता है, वो भी तो काम करेगा ना। आपको जब हम पढ़ा रहे हैं उसके बदले में आप हमको पैसा देते हैं, ये देते हैं, सामान देते हैं, उसी पैसा से तो हम कोई काम करेंगे ना। बात समझ में आ रही ना? एक दूसरे से बनना, पैसा जरूरत होती है चलता रहता है। आपसे हम लिए, हम किसी और को दिए, फिर उसको लिए, इस तरह से चलता रहता है, राउंड 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 चलता रहता है। मान लें कि आप ही के किसी को भैंसी है या गाय है, कितने भी आदमी को भैंसी है इसमें, अपना पड़ोसी का नहीं, एक दो तीन चार है, चलिए ठीक है। आपसे हम दूध लेते हैं उठवाना, ठीक है, एक लीटर दूध लेते हैं, 40 रुपये के हिसाब से भी लेते हैं तो 12 रुपया होता है, 12 रुपया पर मंथ देंगे आपको। तो आपसे हम कहें क्या कि 400 रुपया मेरा पर मंथ का होता है तो आप दे दीजिए हमको, तो आप हमको 400 रुपया दिए। फिर एक लीटर दूध लेते हैं तो आपको हम 400 रुपया वो और 400 रुपया 400 रुपया किसी और से लेके 800 रुपया 1200 रुपया पूरा के आपको दे दिए। ऐसे चलता है। अगर हम फ्री में पढ़ाना शुरू कर दें तो हम ये भी उम्मीद करेंगे कि जितना चीज़ हमको जरूरत पड़ता है, जो भी संसाधन, वो भी फ्री में मिले हमको। अगर जो भी चीज़ हमको चाहिए वो फ्री में मिल रहा है तो हम भी फ्री में देना शुरू कर देंगे, है कि नहीं है? बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से चलती है दुनिया, इस तरह चलती है, संसाधन का ऐसे होता है। तो मानव भी संसाधन है। मतलब क्या? ये जो आपका दर्जी है वो भाई साहब क्या है? आपके संसाधन है। जो शिक्षक हैं वो क्या है? संसाधन है। शिक्षक, जो डॉक्टर है वो क्या है? संसाधन। वकील क्या है? संसाधन है। जितने भी व्यक्ति आपको काम करते हैं, आपका काम कर देते हैं, सब संसाधन है। तो तीन तरह के संसाधन है। एक प्राकृतिक, जिसको भगवान ने बनाया, सर आदमी को भी तो भगवान ने बनाया है ना, बिल्कुल सही है, परंतु मानव वाला को छांट दीजिए अलग, बस बाकी सबको रख लीजिए आप। तो एक जिसको भगवान ने बनाया, मानव को छोड़कर छांट दीजिए, मानव संसाधन में डाल देंगे। और दूसरा इंसान ने बनाया, ठीक है ना, दो तरह के संसाधन हो गए और एक मानव खुद संसाधन हो गए। तो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन। संसाधन क्या है? तो वे सभी वस्तुएं जो हमारा लिए उपयोगी होता है, जो हमारी आवश्यकता होती है, वो सब क्या है? संसाधन। अब संसाधन को वर्गीकृत करना है उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास एवं स्थिति के आधार पर, और सबके बारे में हम लोग को जानना है कि भैया इस संसाधन को जो बांट रहे हैं कैसे कैसे बांट रहे हैं, सबको समझना है। पहला क्या है? उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? जैव और अजैव। जैव माने क्या होता है समझ लीजिए, जैव माने होता है जीवित। सबको हम बारी बारी से देखिए लेते हैं एक करके, वैसे करेंगे तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, सबको लाइन से देखिए लेते हैं, ये समझ लीजिए। उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। विकास के आधार पर संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित। ठीक है ना, याद रखिएगा इस संसाधन। हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं कि भैया ये जो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन है वो दो प्रकार के हैं, एक जैव एक हो, दूसरा होता है अजैव। तो उत्पत्ति जो हुआ ना संसाधन का, सब संसाधन उत्पन्न हुआ है ना, तो अगर प्राकृतिक ने उत्पन्न किया है तो जैव, और मतलब वो सजीव है। ये क्या है? जैव मतलब क्या होता है? सजीव। क्या होता है? जिसमें प्राण हो, सांस लेता हो, चलता फिरता हो, जनन करता हो, खाता हो, सृजन करता हो, सब क्या है? सजीव है। तो ये सब जो होते सजीव जो होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन। क्या होते हैं? जैव सजीव संसाधन को क्या कहते हैं? जैव। जैसे मनुष्य, वनस्पति, पशुधन, प्राणी, ये सब खाते पीते हैं, सब कुछ जनन करते हैं, जो सजीवों के लक्षण होते हैं, सजीव के लक्षण समझते हैं ना, उस सब उसमें है। तो ये सब सजीव पदार्थ, मनुष्य सजीव है, वनस्पति वाले पेड़ पौधा सजीव है, पशु पक्षी सजीव है, जितने भी प्राणी है सब सजीव है कि नहीं है। तो जैव माने क्या होता है? सजीव। अजैव क्या होते हैं? निर्जीव वस्तुओं का समूह जो होता है ना, निर्जीव वस्तुओं का समूह कहते हैं अजैव संसाधन। ठीक है ना,
इसमें क्या होता है, जैसे चट्टान सजीव नहीं होता है, धातु खनिज ये सब क्या है, निर्जीव पदार्थ है, समझे। तो कुछ पदार्थ जो सजीव है वो जैव संसाधन है, और जो पदार्थ निर्जीव है जिसमें प्राण नहीं है, निर्जीव है, वो क्या है, अजैव संसाधन है। बस इतनी बात को आपको ध्यान में रखना है। अब है उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या आंतरिक प्रक्रिया द्वारा नवीकरणीय यानी पुनः प्राप्त किया जा सकता है। कुछ संसाधन प्रकृति में ऐसे होते हैं जिसको खर्च कीजिए पुनः प्राप्त कर लीजिए, जैसे सूर्य की रोशनी, आज जितना मन है जाइए धूप में से कपड़ा सुखाइए, फिर कल धूप उगेगा फिर ले लीजिए, फिर जितना मन है लेते रहिए उस हवा, हवा जितना सांस लेना ले लीजिए, कल फिर प्राप्त हो जाएगा वो, है ना। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिसका उपयोग आप कीजिएगा पुनः प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनको एक बार उपयोग कर लीजिएगा वो फिर दोबारा आपको नहीं मिलेगा, वो खराब हो गया। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल को आप एक बार गाड़ी में लगा के जला दिए, खराब जल गया, पेट्रोल खत्म हो गया, तो पेट्रोल फिर दोबारा करोड़ों वर्ष में बनता है, लाखों करोड़ों वर्ष में जाते हैं। कोयला, डीजल, पेट्रोल ये सब एक बार जो खत्म हुआ दोबारा नहीं बनता है। तो जो एक बार खत्म हुआ आसानी से दूसरा बार बन जाता है उसे क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, विद्युत, वानिकी, वन्य प्राणी, ये सब क्या है, खत्म होते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, इजीली प्राप्त हो जाते हैं ये सब। बट कुछ ऐसे संसाधन हैं जो एक एक जिसके विकास में लंबा समय लगता है, बहुत जटिल प्रक्रिया होता है, बनता वो भी है करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। अब मानिए ना कोयला है, कोयला का यूज आप जला दिए सब, कोयला जल गया खत्म हो गया, तो कोयला जल गया खत्म हो गया तो फिर कोयला बनने में न जाने करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। अब 100 करोड़ वर्ष थोड़ी ना जिंदा रहिएगा, हम लोग 100 वर्ष भी नहीं जीते हम लोग, तो एक मनुष्य के जीवन काल में फिर कोयला जो जला फिर बनेगा, नहीं बनेगा। अगर आम को लिए, आम को तोड़ के खा के फेंक दिए, फिर अगले साल आम फट जाएगा, फिर नवीकरणीय आराम से प्राप्त हो जाएगा फिर। बट कोयला एक बार खत्म कर दीजिए ना, वो दोबारा नहीं प्राप्त होगा। आप लीची एक के बदले में 100 खा जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आएगा, फिर अगले साल लीची फरेगा, फिर खाइएगा। बट कोयला 100 किलो जला दिए ना, वो कोयला फिर अगले साल नहीं फरेगा, वो कोयला बनने में करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। तो जो चीज़ पुनः प्राप्त हो जाता है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जितना हवा के लगाना है लगा लीजिए, अब जितना पंखा लगाना है लगा लीजिए, पंखा से हवा से बिजली खत्म होती है, बिजली चलता है कोयला से, तो वहाँ पे अलग बैटर हो जाएगा वो। जितना सोलर प्लेट लगाना है आपको, छत पे सोलर प्लेट लगाइएगा, क्या सूरज की रोशनी कम जाएगा, जितना लेना है लीजिए ना भाई, जितना सोलर, पूरा छत पे सोलर प्लेट लगा दीजिए, पूरा पृथ्वी पर लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता सूर्य को, कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 गुना बड़ा है सूर्य, पृथ्वी से भी 100 गुना बड़ा है, कोई दिक्कत है उसको, जितना रोशनी लेना लीजिए। तो ये सौर ऊर्जा कभी खत्म होने वाली है, खत्म होगी और पुनः फिर कल प्राप्त हो जाएगी। तो ये सौर ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन का उपयोग करने से डरिए मत, जितना लेना लीजिए, मगर याद रखिए जो सामान नहीं मिलने वाला दोबारा, जो अनवीकरणीय संसाधन है उसका उपयोग ध्यान से कीजिए, क्योंकि एक बार जब खत्म हो जाएगा तो बार बार नहीं मिलेगा, एक बार जो गया फिर दोबारा नहीं आएगा वापस, उसको आने में करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। तो उनका ध्यान से उपयोग कीजिए। जैसे ये कौन कौन से संसाधन होते हैं इसको आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में दिया है कि नहीं दिया, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन में लिख दिया है, इसमें क्या क्या चीज आता है, जीवाश्म ईंधन में आता है कोयला, क्या आता है कोयला, क्या आता है पेट्रोल, पेट्रोल और क्या आता है डीजल, मिट्टी तेल, हाँ डीजल मिट्टी तेल वही, डीजल मिट्टी तेल क्रियोसिन तेल वही करें, है ना, ये सब आता है क्या, जीवाश्म ईंधन, एक बार खत्म होगा दोबारा नहीं मिलेगा ये, इसलिए इसका ध्यान से उपयोग करना चाहिए, ठीक है ना। आज हम लोग भूगोल में पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार, मतलब जो हम लोग कल पढ़े थे उसी के आगे, है ना। पहला क्या है इसमें टॉपिक, स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत, समुदायक, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है, करा क्या हम, जैसे संसाधन जो होता है ना उसको स्वामित्व, स्वामित्व का मालिक, संसाधन के मालिक, जैसे ये स्टाइलिश है किसका है, मेरा है, तो मेरा पर्सनल है, तो व्यक्तिगत संसाधन हो गया। किसी समुदाय का है, जैसे कि मंदिर है, तो एक समुदाय का है, हिंदू समुदाय का है, तो सामुदायिक हो गया। पूरा देश का है तो राष्ट्रीय हो गया, और सभी पूरे धरतीवासी का है तो क्या, अंतर्राष्ट्रीय हो गया। ऐसे में सिंपल सी बात है कि संसाधन किसका है, उस संसाधन का मालिक कौन है, उस पर कौन, किसका अधिकार है,
उसी आधार पर बांटा गया उसको चार भागों में। कितने भागों में? चार भागों में। पहला क्या है? दूसरा? तीसरा? चौथा? अब व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? देखिए, ऐसा संसाधन जिससे पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, जिसके बदले में वो सरकार को लगान भी चुकाना पड़ता है। जैसे सपोज डैट ये जो डायरी है, ये डायरी किसका है? मेरा है। तो ये व्यक्तिगत संसाधन है। क्या है? व्यक्तिगत संसाधन। इस डायरी पर, इस डायरी को जो हम खरीदे हैं 40 रुपया में खरीदे हैं मान लिए, तो उसमें 10 रुपया सरकार को टैक्स गया है, या 10 रुपया नहीं 5 रुपया टैक्स गया है, सरकार को टैक्स देना पड़ा कि नहीं देना? जैसे सपोज डैट ये जमीन जो है ये मेरा है ना, तो जमीन मेरा है तो जमीन का टैक्स भरना पड़ता है कि नहीं भरना पड़ता? भरना पड़ता है। हर साले जो होता है ना, जमीन का रसीद करता है, उस पर टैक्स भरना पड़ता है। तो व्यक्तिगत संसाधन पर क्या होता है? व्यक्ति, हमारा अधिकार है इस पर। किसका अधिकार है? अब देखो, अभी ये सही समझ में आ रहा है। देखो, अभी हम समझा रहे हैं ना, इसमें से मुद्रा ही ऐसा बना कर। देखो, जैसे भूखंड हो गया, जमीन, भूखंड माने क्या? जमीन, घर, बाग बगीचा, तालाब, कुआं, ये आदमी का पर्सनल है। हाँ, कुआं जो हो सकता है किसी समुदाय का भी हो सकता है, हमारा पर्सनल भी, निजी भी हो सकता है। हम निजी कुआं बनवाए हुए हैं, निजी तालाब है मेरा, अपना भी हो सकता है। सामुदायिक, ऐसा संसाधन जिसपे खास समुदाय का अधिकार होता है या आधिपत्य होता है। आधिपत्य माने क्या होता है? अधिकार। क्या होता है? अधिकार। तो ऐसा संसाधन जिसपे खास समुदाय का अधिकार हो उसे क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे भूमि हो गया, शमशान घाट हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, ये सामुदायिक भवन हो गया है ना, खेल मैदान हो गया। अब बताइए, किसी मंदिर पर किसका अधिकार होता है? हिंदुओं का अधिकार है, हिंदू समुदाय का अधिकार है। मस्जिद पर किसका अधिकार है? मुस्लिम समुदाय का अधिकार है। उसी तरह से सामुदायिक भवन है तो एक समाज का अधिकार है ना। तो इस तरह की ये चीज होते हैं ना, इस पर समाज का अधिकार होता है। किसका होता है? समाज का। ये हो गया क्या? सामुदायिक। अगला है राष्ट्रीय संसाधन। क्या है? वैसा संसाधन जिन पर किसी खास देश या राष्ट्र, उसी देश या राष्ट्र के किसी खास देश का अधिकार होता है ना, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। कहते हैं राष्ट्र की राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्य जीव, समुद्री जीव, ये सब जो होता है ना, 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक राष्ट्रीय संसाधन होता है। ध्यान दीजिएगा, कोई देश है, कोई देश है, ये देश है हमारा, कोई देश है, मान लो कि हमारा ही देश है, एक हमारा देश भारत, भारत देश है। हम नक्शा नहीं बना रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं। ये अगर हमारा देश है, कोई देश, ये कौन सा देश है? भारत है। मान लो, सपोज मान लो, ऐसा है नहीं, नक्शा उसका अलग है, हम बता रहे हैं। तो इसके अंदर में, इसके भारत के अंदर में जितना भी चीज़ हैं, चाहे वन हो, नदी हो, पहाड़ हो, झरना हो, कोई कोयला के खान हो, मिट्टी तेल का खान हो, तो ये सब किसका है? राष्ट्र की संपत्ति है, पूरे देश की संपत्ति है, किसी एक आदमी की संपत्ति नहीं है। अगर कहीं कोयला का खान निकल जाता तो कोयला का खान किसी का नहीं है, वो पूरे देश का है। समझ में आया? आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संस्था। हाँ, एक बात और कह रहा है, यहाँ पे 200 किलोमीटर तक रहता है। कहाँ तक? 200 किलोमीटर तक। जैसे भारत है और ये सब सागर है, क्या है? ये सब सागर है, तो 200 किलोमीटर तक जाएगा ना चारों तरफ से। तो अगर ये सागर है, महासागर है, जैसे महासागर है, तो 200 किलोमीटर तक, कहाँ तक? 200 किलोमीटर तक। ये इंडिया का ही हुआ, इंडिया यहीं पर ख़त्म हो गया, इंडिया यहीं पर ख़त्म हो गया। मगर संसाधन एक कहाँ तक जाएगा? 200 किलोमीटर बाहर तक भी जाएगा उसका संसाधन होगा। हम अगर इसी के बगल में मान लीजिए कोई दूसरा देश आ गया, तो इस पर हो गया मान लीजिए पर एक देश ए है, ई देश बी है, तो ई इस पर ए का अधिकार है, ऐसे कर बी का अधिकार हो गया। मगर एक अधिकार पानी है, समुंदर है, तो यहाँ तक 200 तक इसका अधिकार रहेगा, ठीक है ना, 200 किलोमीटर तक इसका अधिकार रहेगा, उसके बाद किसी दूसरे का अधिकार रहेगा। मान लो ये देश ए है, कौन देश है? ए। ई देश है एक्स है, ये देश है, इसके बीच में समुंदर है, क्या है? ये सब समुंदर है। तो किसका समुंदर है? किसी इतना पर से 200 किलोमीटर इसका और 200 किलोमीटर इसका, अभी इसमें जो बात किया किसी का नहीं, वो अंतर्राष्ट्रीय हो गया। आज समझ नहीं है, ये बात को दिमाग में सेट कर लीजिए। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ऐसे संसाधन जिसका नियंत्रण राष्ट्रीय संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, मतलब कोई देश का संपत्ति नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था कोई दूसरे देश की संस्था, मतलब एक ऐसी संस्था जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे बनी हुई है ना, अंतर्राष्ट्रीय संस्था वो करती है ना, उसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। उसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था, हाँ, जैसे देखिए
तट रेखा से 200 किलोमीटर के दूरी को छोड़कर महासागरीय क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जैसे देखिए फिर से समझाते हैं। देखिए देश ए है, क्या है देश ए, और ये देश बी है, और इसके बीच में क्या है महासागर है, समुद्र, बड़ा महासागर होता है। अब ये जो है ना, कह रहा है कि 200 किलोमीटर तक मेरा है, क्या है 200 किलोमीटर तक मेरा अधिकार है, इसमें हम मछली पकड़ेंगे, कुछ कुछ जो काम हुआ करेंगे, नाव चलाएंगे, जो जो काम करना है करेंगे, ठीक है करिए। तो जितना भी होता है समुद्री इलाका महासागर सब मछली, बड़का का जहाज लेके मछुआरा सब बड़का का मछली पकड़ता है यहाँ पे, है ना। तो इस का काम इसका अधिकार है, और सोचेगा कि यहाँ से हम आगे निकले तो नहीं, ये भी कहेगा भैया हम लोग 200 किलोमीटर तक है, ठीक है करिए। परंतु ये बीच में बच गया आपका क्षेत्र, ये जो बच गया ये ना तो ए का है ना ही बी का है, तो ये क्या हो गया अंतर्राष्ट्रीय हो गया, क्या हो गया अंतर्राष्ट्रीय, इससे ये सब जो हो गया अंतर्राष्ट्रीय हो गया, ये सब हो गया आपका राष्ट्रीय, सब राष्ट्रीय में आ जाएगा। देश के अंदर है तो वो देश का है, और देश के बाहर 200 किलोमीटर तक है वो देश का है, राष्ट्रीय है, परंतु 200 किलोमीटर के बाद उसका अधिकार नहीं है, तो इसमें किसका अधिकार हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था का। तो हमको परमाणु बम छोड़ना है, जब परमाणु का मिसाइल बनाए हैं या कुछ बनाए हैं, तो अभी देखिए इसरो जो है ना वो क्या किया है सेटेलाइट को प्रक्षेपण किया है, दो दिन पहले किया है ना, नहीं जानते होइएगा आप। तो ये तो सेटेलाइट हो गया था, आसमान में चला गया, मगर कोई मिसाइल बनता है तो पहले चेक करता है लोग मिसाइल को उड़ा के, कि मिसाइल उड़ रहा है कि नहीं, बम फटक रहा है कि नहीं पड़ेगा। तो अब मिसाइल बनाएगा, हम मिसाइल बनाएँ ये मान लीजिए वो फटका बनाए बम, बम बना के कहेंगे तो चला ट्राई करते हैं जलता है कि नहीं, जब मजला के आपको फेंक देंगे तो आप ही फेंकेंगे, आप ही फेंक इधर फेंकेंगे कि उधर जो खेत में फेंकेंगे, खेत में ट्राई करेंगे ना। तो ऐसा तो नहीं है कि आप अपने देश में छोड़ देंगे, तो मिसाइल बनाएगा तो मिसाइल अगर अपने देश में करेगा तो लोगे मर जाएगा, जिसकी सुरक्षा के लिए बना रहे उसी मर जाएगा, तो फिर कैसे करेगा। इसीलिए क्या करता है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भेजता है, यहाँ पर महासागर में भेजता है, और यहाँ पर भेजने के लिए फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्था से परमिशन लेना पड़ता है कि हम अपना देश से बाहर मिसाइल भेजना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्था सीमा में, भेज सकते हो तो कहता ठीक है आप भेज सकते हो, तो वो भेजने देगा, अगर कहेगा नहीं तो नहीं भेज सकते हैं। ऐसे में कि नहीं आया आ रहा हो, चलिए ठीक है, इस सब बात को समझिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए अब है ये समझ में आएगा, स्वामित्व के आधार पर चार होते हैं, अगला है क्या विकास के आधार पर, विकास के आधार पर जो होते हैं ना मेनली एक होता है संभावी संसाधन, और दूसरा होता है विकसित संसाधन, तीसरा होता है भंडार संसाधन, तीन तरह के, तो और एक संचित कोष संसाधन, चार प्रकार के, ठीक है। तो अगर विकास के आधार पर गया मैं संसाधन का जो विकास हुआ है उसके आधार पर चार प्रकार के हैं। संभावी संसाधन ऐसे संसाधन जो किसी विशेष किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होता है जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, उसका उपयोग अभी तक नहीं किया जा रहा है उसे कहते हैं संभावी। संभावी माने क्या, संभावना है इसका उपयोग होने का मगर अभी उपयोग नहीं हो रहा है। जैसे हिमालय क्षेत्र में जो खनिज पाया जाता है, हिमालय के क्षेत्र पेटी में क्या है बहुत खनिज है, संभावना है कि आगे चल के उसमें से खनिज निकालेंगे मगर अभी निकाल नहीं रहे हैं। राजस्थान गुजरात के क्षेत्र में भी पवन ऊर्जा का है, सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं मगर अभी ज़्यादातर नहीं हो रहा है, मगर आने वाला समय में इसका उपयोग किया जाएगा। समझ में, जैसे कि वहाँ हम जान रहे हैं उसी पे है वहाँ पे, मगर उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो क्या है संभावी, संभावना है आगे चल के इसका उपयोग करेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्या है आपका विकसित संसाधन, ऐसे संसाधन जिसका सर्वेक्षण के उपरांत गुणवत्ता या मात्रा का निर्धारण किया हो चुका है और उसे विकसित संसाधन कहते हैं। लोग जान गया है कि यहाँ पे संसाधन है, कोयला के खान है और उसको हम निकालेंगे, अब निकाल भी रहे हैं थोड़ा थोड़ा, है ना, तो अब विकसित हो चुका है, पूरा जान चुका है, डिट्टो है कि ये कोयला क्षेत्र है, घेर दिया गया है, कोयला निकालने की मशीन उसने लग गया, अब निकल रहा है उससे थोड़ा, है ना, तो क्या हो गया विकसित संसाधन हो गया। और क्या है भंडार संसाधन, ऐसा संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम है, उपयोग करने हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव हो उसे भंडारण संसाधन कहते हैं। मतलब क्या, कोई संसाधन ऐसा संसाधन होता है जो काफ़ी आवश्यक है, उसका उपयोग भी कर सकते हैं परंतु अभी उतना टेक्निकली हम लोग टेक्निकल नहीं आया है उसका उपयोग करें, टेक्निकल रहेगा तब ना करेंगे उपयोग। जैसे अभी आप पंखा चला रहे हैं तो टेक्निकल के हिसाब से चला रहे हैं, कैसे चल रहा है पंखा, ऐसे चल रहा है पंखा, नहीं चल रहा है, अरे भैया ये कोयला से चल रहा है, तो कोयला से आपको पंखा चलाने का जो पद्धति है ये टेक्निकल से ना हुआ है, जिसके पास टेक्निकल नहीं रहेगा वो चीज़ का तो कर पाएगा क्या, हमारे पूर्वजों के पास कोयला नहीं था तो कहना पंखा लगा के चल रहा था, काला भर दिन ना 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 करता रहता था,
तार की छजा से तो कपड़ा से ना कर क्या करता था उसे, क्योंकि उन लोग पास टेक्निकल नहीं था, क्या कोयला पहले से था वहाँ टेक्निकल नहीं था, उसे टेक्निकल हुआ तो कोयला का उपयोग कर रहे हैं, आगे चल के भी हम लोग और भी टेक्निकल का उपयोग करेंगे तो और भी चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, वहाँ भी कर नहीं क्योंकि टेक्निकल हुआ तभी नहीं करेंगे, तो ये बात है। उसे क्या करते हैं भंडार, भंडार है उपयोग नहीं कर रहे हैं, जैसे देखिए ना जल हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब संसाधन भंडार संसाधन है, आगे चल के इसी का उपयोग होगा, जब कोयला मिट्टी तेल डीजल सब खत्म हो जाएगा ना तो इसी का लोग उपयोग करके काम करेगा। अगला क्या है, अगला है आपका संचित कोष संसाधन, वास्तव में ऐसे संसाधन का भंडार होता है अंश है जिसे उपलब्ध तकनीकी के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है और यह भविष्य की पूंजी है, मतलब जो भी हमारे पास टेक्निकल है उस टेक्निकल से उसका उपयोग कर सकते हैं मगर अभी कर नहीं रहे हैं, भविष्य में उसका उपयोग करेंगे, रहने दीजिए करेंगे, उसको क्या कहेंगे हम लोग संचित कोष संसाधन। अब है संभावी में और संचित कोष में क्या अंतर है, देखिए संभावी वैसे संसाधन है जो भविष्य में उपयोग में लाए जाने की संभावना होती है, संभावी संसाधन कहते हैं। अब भंडार संसाधन में क्या आता है, संचित कोष भंडार में क्या आता है, इसमें भविष्य के संचित कर रखा गया है, इसको संचय कर रखा गया है, इसको अभी खोजो नहीं हुआ ठीक से, अभी पता है हाँ हिमालय में है खनिज, खाली बोल दिए हैं अभी खोज नहीं किए हैं, अभी क्या खोज लिए हैं जमा करके रखे हुए हैं, समझे कि नहीं समझे। जैसे कोई आदमी कहता है कि हम कमाएंगे और 10 लाख रुपया में एक कार खरीदेंगे तो ये क्या हो गया, संभावना है, संभावित हो गया, ये यह हुआ था ना, अरे आदमी कराएगा नहीं हम एक 10 लाख रुपया रख लिए हैं, हम कार अभी नहीं खरीदेंगे बाद में खरीद लेंगे, ऐसा नहीं, तो ये संचित कोष जमा करके रख लिए हुआ है वो वैसा संसाधन जो हमको पता है मगर हम लोग उसका उपयोग अभी नहीं कर रहे हैं। अला इन संसाधनों का उपयोग है जो तकनीकें उपलब्ध नहीं है, जो तकनीक ये संसाधन ऐसे संसाधन है जिसका तकनीकी हमको पते नहीं है कैसे निकालेंगे उसका उपयोग कैसे करेंगे, हिमालय में है खनिज जाके निकाल लाइए नहीं पता कैसे निकाल लें, तो मतलब ये आपका है, ये आपका संभावित संसाधन। संचित कोष वाला में इस संसाधनों का उपयोग है तो तकनीक उपलब्ध है, तकनीक है हमारे पास सामान भी है मगर अभी जरूरी नहीं था क्या करने जाए, अंतर बुझा रहा है, इसे तक इसको उपयोग करने के लिए तकनीकी नहीं है, ऐसे क्या तकनीकी भी है सामान भी है मगर उपयोग में नहीं करना, जैसे तुम्हारे पास 10 रुपया है मगर तुम उसको कुछ खरीद के खा नहीं रहे हो, कहेंगे बाद में जरूरत पड़ेगा भूख लगे तो खा लेंगे, बोतल में पानी है जैसे यहाँ बोतल में पानी रखे हुए पानी है बोतल में वो जब प्यास लगेगी तो पियेंगे, अभी लेकर नहीं पियेंगे रख ले रहे हैं, संचित कोष में रखा हुआ है, एक वहाँ पर चापाकल है पानी निकाल कर लाएंगे तो पियेंगे, चापाकल में है जाने आएगा नहीं जाने आता है हमको चला ही नहीं होता है तो अलग बात ना हो जाता, तो आप जा ही नहीं सकते, जाते तो है वहाँ से पानी निकालने नहीं आएगा, चापाकल चलाते हैं तो चल भी नहीं करता हमसे, तो आपको क्या वो संभावित संसाधन आपके है वहाँ पर चापाकल है मगर आप जा नहीं सकते हैं निकाल नहीं सकते पास बुद्धि नहीं है, तो उसको कहते हैं क्या संभावी है, इसका उपयोग होगा तब ना करेंगे हम लोग, तकनीकी होगा तब ना करेंगे, ये सब हो गया। अला संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान से याद कर लीजिए। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता देखिए क्या होता है, संसाधन जो होते हैं ना जो नवीकरणीय संसाधन है उसका उपयोग से ज़्यादा दिक्कत नहीं है, नवीकरणीय संसाधन में क्या होता है कि एक बार उपयोग किए तो अगली बार आराम से हमको मिल जाएगा, मगर एक बात तो तय है और नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिसका एक बार उपयोग कर ले दोबारा नहीं मिलेगा, है ना, करोड़ों वर्ष में बनेंगे तो उसको तो हम नहीं मानेंगे, कोई आदमी कहे कि तुम हमको 1000 रुपया दो और तुमको हम 1 करोड़ वर्ष के बाद 10 लाख रुपया देंगे तो क्या तुम उसको दोगे, कितना रे भैया 1 करोड़ के बाद हम हमारे बाबा के बाप पोता के पोता के पोता भी जिंदा नहीं रहेगा, वो भी मर गया रहेगा, है कि नहीं है, तो हम 1000 देंगे क्यों, अभी 1000 रुपया का हम खाएँ पियेंगे जो भी काम करेंगे बाद में 10 लाख रुपया देकर क्या करेगा, है ना, तुम्हें को अभी कहीं कहे कि तुम हमको अभी 1 लाख रुपया दो और 500 साल बाद तुमको हम उसका 1 लाख की जगह पर 3 लाख रुपया या 5 लाख या 10 लाख रुपया देंगे तो दोगे उसको, कहेगा ना भाई 200 साल बाद तो हमारे बेटा के बाद पोता के पर पोता रहेगा उकरा जगाने के लिए हम अभी दे दें 1 लाख रुपया तो नहीं देंगे, देगा कोई आदमी, कोई बेवकूफ़े हुआ तो देगा, नहीं देगा वो तेज तो नहीं देगा, कहे ना भैया हम नहीं देंगे पैसा, पैसा हम क्यों देने जा रहे हैं, आँख पर चूहन हो रही है पता नहीं कहाँ, हाँ तो चुभन कहाँ हो रहा है पता चल रहा है,
हाँ तो बराती कहते हैं, पता नहीं किसने बनाया बराती, बड़ा अजीब ढंग का होता है। जाइए कुकुर नहीं खाइए। देखिए जकरा पास टाइम है वो जाए बराती, हम तो ये वो किए हैं, हमको तो वही में परेशान है, हमको नहीं लगता कि बराती जाने वाले हैं, लगता भगवान हमारे सुन लिए, कह रहे हैं कि लाइन कट जाता है, अब अंधेरा तो हो गया, वही बात तो है। अरे भाई ये बैकग्राउंड जो है ना वाइट है, नहीं है गड़बड़ हो जा रहा है, वाइट पे नहीं चलता ठीक से। देखिए हाँ संसाधन की संसाधन संरक्षण की उपयोगिता करिए, कह रहे हैं क्या संसाधनों के नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है। कोनो संसाधन है उसका नियोजन करें, कितना दिन में खर्च करना है, कितना खर्च करना है, विवेकपूर्ण उपयोग सही ढंग से उपयोग करते हैं तो उसको कहते हैं संसाधन का संरक्षण करना। अगर मेरे पास 100 किलो कोयला है तो कोयला को हम कितना खर्च करेंगे कि आगे दिन में भी हम इसका उपयोग कर पाएँ। अगर हमारे पास चावल है, 4 क्विंटल चावल है, मान लो 4 क्विंटल चावल है तो कितना दिन में हम खर्च करें भैया उसको, ताकि हमको उस पूरा साल कट जाए। तो हम लोग दिमाग लगा के करते हैं ना, एक दिन तो चावल नहीं उसनते हैं, थोड़ा थोड़ा खर्च करते हैं, जितना जरूरी होता है उतने खर्च करते हैं। अगर दिन में का चावल जो बच गया थोड़ा रात में खा लेते हैं, रात का रोटी बच गया दिन में खा लेते हैं। क्यों खाते हैं हम लोग, क्योंकि हमको उतना ही काम में चलाना है। अमीर आदमी है तो फेंक देते हैं, गरीब आदमी क्या करता है, दिन के रात रात का दिन के करके खा लेता है, मगर ज्ञान नहीं करता, होता है कि नहीं होता है ना, बात समझ रहे ना। आखिर क्यों, क्योंकि उस संसाधन का नियंत्रण कर रहा है, नियोजन कर रहा है, अच्छा से उपयोग कर रहा है, विवेकपूर्ण उपयोग, जरूरत है तो उपयोग कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा है। आपको हवा चल रही है अभी ना, मतलब कि अपने घर में पंखा चला रहे हैं, मतलब क्या विवेकपूर्ण उपयोग नहीं कर रहे हैं, जरूरत के हिसाब से नहीं कर रहे हैं। जब आप ऐसे ही रह सकते हैं तो पंखा क्यों चला रहे हैं, ठीक है। दूसरी ना बात, कहीं जाना है हम जब साइकिल से जा सकते हैं तो बाइक से क्यों जाएं, क्यों पेट्रोल जलाने जाएं, तो मेरा बाप का पैसा है हम पेट्रोल जलाएंगे ना भैया। भैया बाप का पैसा आपके बाप का है, पेट्रोल आपके बाप का नहीं है, पेट्रोल पूरे राष्ट्र की संपत्ति है, आप उसको कमाते हैं, पैसा का यूज करते हैं, तो आपके पापा जी कमाए हैं या आप कमाए हैं, तो हम कमाए हैं तो पेट्रोल खड़ा के, मगर मिसयूज नहीं कीजिए। पानी आपका नहीं है, चापाकल आपका है, पानी का यूज आप ठीक से कीजिए, बिना मतलब का यूज नहीं कीजिए। तो ये सब क्या है, नियोजन होता है, विवेकपूर्ण उपयोग, जहाँ एक बाल्टी का उपयोग है वहाँ 2 बाल्टी क्यों लगाने जाए, ये बात होता है। किसी भी देश में आर्थिक विकास के संसाधन के संरक्षण की काफ़ी जरूरत, कोई भी देश चाहता है कि उसका विकास हो, आर्थिक विकास हो, तो संसाधन का संरक्षण काफ़ी उपयोगी होता है, संसाधन का संरक्षण करना पड़ेगा। संसाधनों का संरक्षण करके हम न केवल वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, बल्कि अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। अगर हम लोग ये सोचें कि ज़मीन में जितना पानी है, वो ज़मीन के पानी को बस मोटर लगाइए पूरा निकाल निकाल के पूरा फेंक देते हैं रोड में, फालतू में पड़ा जाते हैं, तो आने वाले समय में नीचे का पानी पूरा ख़त्म हो जाएगा ना, जैसा कि घट रहा है, नीचे जा रहा है, जितना ज़्यादा निकल रहा है उतना ज़्यादा जा नहीं रहा है, इसीलिए जल स्तर घटते जा रहा है, नीचे जा रहा है। पहले 50% भी पानी आ रहा था, अब 60% 70% 100% से नीचे नीचे साफ, और पानी साफ लेना है तो नीचे पानी आपको चापाकल गिरना पड़ेगा, है कि नहीं है। तो एक समय था कि 20 फीट पर पानी निकल जाता था, 30 फीट पानी निकलता था, अब तो निकलता ही नहीं है। महाराष्ट्र में जाइएगा तो वहाँ पे 500 फीट गड़ाने के बाद पानी नहीं निकल रहा है, 1000 डाल रहता तो यूँ नहीं पानी आ रहा है, पानी ख़त्म हो चुका है। तो महाराष्ट्र का कई गो ऐसा गांव है जहाँ पे पानी नहीं है, एक बूंद पानी नहीं, लोग नाला का पानी पीने के लिए मजबूर रहता है, गंदा पानी जो तालाब का पानी पीने के लिए मजबूर रहता है, ऐसा काम करना है उस सबको, तालाब के पानी को ला के साफ सफाई करके उसको पीता है, क्या कीजिएगा, मजबूरी में जिंदा रहना तो पी रहा है उस सब। हम लोग खुश नसीब है कि हम लोग यहाँ पानी है, नहीं तो बहुत जगह पर तो महाराष्ट्र के कई गाँव में नहीं है पानी, कई गाँव में पानी नहीं है। अगर हम लोग भी बिना मतलब उपयोग करते रहेंगे ना, तो हमारे आने वाले जो संतति होंगे ना, जो हमारे संतान होंगे, जो हमारे बेटे पोते होंगे, उनको पानी घट जाएगा। तो संसाधन का संरक्षण करना इसलिए कि हमारा भी जीवन चल जाए अच्छा से, और हमारा भावी पीढ़ी है जो हमारे बाद आने वाला पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी का मतलब जो अभी है सो, अब भावी पीढ़ी माने भविष्य में जो आने वाला है सो, उसका भी ध्यान रखें। इसीलिए संसाधन संरक्षण का बहुत आवश्यकता होती है, समझे ना, तो उसके लिए भी बचा कर रखें, है ना। चलिए अगला है, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका होती है, स्पष्ट कीजिए। कोई भी संसाधन होता नहीं है, बनता है, संसाधन होते नहीं है, बनाए जाते हैं, ठीक है ना, संसाधन होते
नहीं है, बनाए जाते हैं। सपोज डैट जिस डेस्क बेंच पे बैठे हैं वो डेस्क बेंच था, बनाया गया है, तो बिना बिना बुद्धि के बना लिया है? नहीं, बुद्धि लगाया है। पेड़ कैसे काटेगा, कैसे चिराना पड़ा, चिरने के लिए मशीन लगा पड़ा, आरी मशीन, आरा मशीन, वो आरा मशीन में बड़का का बूटा डाल देते हैं तो वो क्या करता है, स्लाइस पतला पतला तख्ता बना जाता है। तो बिना तकनीकी के हो गया है, बिना तकनीकी का ब्लेड चल रहा है ऊपर अपने मने सर पे चिरा, एक रखते हैं का बर्ती क्या बोलते हैं उसको, बूटा को लकड़ी का बूटा रखते हैं हल्के से चिरा जाता है कि बिना बिना दिमागे लगे हो गया। वो तकनीकी की आवश्यकता है कि नहीं है? कोयला तो पहले भी था तो कहे ना लाइन चला लिए, क्योंकि तकनीक नहीं था। अब कोयला से तकनीक निकाल मैंने अब नहीं, जेम्स सबसे पहले निकाले थे, जेम्स वाट वाष्प शक्ति का आविष्कार सबसे पहले जेम्स वाट किए थे कि कोयला के भाप से भी इंजन चलेगा। उसके बाद कोयला के भाप से जब इंजन का खोज होने लगा कि भाई इंजन चल सकता है, तो कोयला के भाप बना 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 कर तरह तरह का चीज़ करने लगा, तभी जाकर टरबाइन नचेगा तो ऐसे आएगा तो बिजली कॉन्सेप्ट आया बिजली का, है ना? दिमाग लगा तब ना, दिमाग लगाने से होता है। बिना तकनीकी ज्ञान के आपको संसाधन नहीं मिलेगा, कोई भी चीज़ नहीं मिलेगा। संसाधन कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। संसाधन के निर्माण में तकनीक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जान लीजिएगा। क्योंकि जब तक तकनीकी द्वारा किसी वस्तु को मानव उपयोगी नहीं बनाया जाता तब तक वह वस्तु संसाधन नहीं कहलाती है। संसाधन तब कराएगा जब उसको उपयोगी करिएगा। मिट्टी रखा हुआ है उसमें साधन है ये है, मगर ज़्यादा उपयोगी बनाने के लिए ना आदमी को टेक्निकल लगाना पड़ा, मिट्टी में पानी मिलाना पड़ा, गूंथना पड़ा, चाक पे रख के वो घड़ा बनाया, तो घड़ा ज़्यादा उपयोगी हो गया कि नहीं हो गया? उस मिट्टी का कीमत कितना था, फ्री में लेकर आया कुम्हार, और वो घड़ा बनाने का उसका कीमत कितना हो गया कि भैया 50 रुपया लेंगे, 100 रुपया लेंगे, होता है दाम भरा कि नहीं भरा? क्यों बढ़ गया? मिट्टी तो फेंका हुआ था, जाके मिट्टी ले लीजिए ना आप, अगर पूजा है पानी रखना है तो मिट्टी ले आइए, मिट्टी में बना लीजिए, घड़ा बना लीजिए, हो जाएगा भैया? घड़ा बनाइएगा तब उसका काम आएगा ना उपयोग, आसान नहीं ना। तकनीकी रहेगा तब ना घड़ा बनाइएगा, उसके लिए तो टेक्निकल चाहिए, इसलिए घड़ा बन जाएगा, नहीं ना बनेगा? तो इसलिए ये भी बात है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि कुछ नोट्स दिया हुआ है कि ये क्या है, हमारे आस हमारे हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं। महात्मा गांधी ने एक बात कहा था, ये क्या कहा था कि आदमी को पेट भरने के लिए बहुत कुछ धरती पर दिया गया मगर आदमी का पेटी भर जाए इतना भगवान ने दिया। क्योंकि भगवान जितना भी दिया है ना इंसान को कमी लगता है। कोई इंसान के मुँह से सुने हैं कि अब हो गया, अब नहीं कुछ चाहिए, अब हमको कुछ नहीं चाहिए? नहीं, अरे भैया और दे दो, कुछ दे दो, है ना? जितना मिलता कहता और दे दो कुछ। जो जितना धनी हो गया है उतने धनी बनने की लालच हो गया उसको, हुआ कि नहीं हुआ? कोई आदमी तो भगवान महात्मा गांधी कहे थे कि भैया पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है मगर पेटी भरने के लिए आदमी को कभी नहीं मिल सकता है। जितना पेटी भरता है एगो पेटी भरता है दूसरा दूसरे का पेटी लेके चलाता है, एगो पेटी भरता है दूसरे का पेटी लेके चलाता है, पेटी को भरेगा? भरवे नहीं करेगा। पेट भर जाएगा मगर पेटी नहीं भरेगा। अगला है मेधा पाटेकर ने क्या कहा, नर्मदा बचाओ अभियान दिए थे। सुंदरलाल बहुगुणा क्या किए थे, चिपको आंदोलन दिए थे। बहुत पूरा पूछा गया, अभी भी आई है, चिपको आंदोलन किसने दिया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। संदीप पांडे ने क्या किया था, वर्षा जल को बना संचित करने का नियम निकाला कि वर्षा जल को कहीं जमा करें। पर्यावरण संरक्षण में सर्वप्रथम क्या था, स्कॉट होम में विश्व शिखर सम्मेलन किया, क्या कब किया था, 1972 में किया था विश्व शिखर सम्मेलन कि पर्यावरण को बचाओ नहीं तो खत्म हो जाएगा वो। इसी सम्मेलन के पश्चात 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया था। याद रखिएगा पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून को। क्या दिन के बाद है, 5 दिन के बाद। तो हम लोग अब के पर्यावरण दिवस मनाएंगे, चलो बड़ा अच्छा याद आ गया। तो मनाएंगे इसमें करेंगे क्या कि हम गमला खरीद कर लाएंगे और आप एक एक फूल लेकर आएंगे, एक एक पेड़ लेकर आएंगे। पर्यावरण दिवस के दिन हम लोग पौधा लगाएंगे और एक बढ़िया सा एगो 10 मिनट 15 मिनट का एगो कार्यक्रम करेंगे, है ना, जिसमें हम लोग बताएंगे कि पर्यावरण कितना ज़रूरी है। पहले पर्यावरण पर निबंध लिखने आएगा तो उसमें काम आ जाएगा, है ना। और उस दिन रियली में खाली बनाएंगे नहीं, रियली में हम लोग पौधा लगाएंगे। और हम कहते हैं हम सारे बच्चों को कसम खिलवा देंगे घर पर एक एक पौधा लगाएगा, कम से कम 200 बच्चा पढ़ता है, 200 बच्चा तो 200 पौधा लगाएगा ना। आए शुरुआत छोटे से करेंगे, काम तो आएगा ना कहीं ना कहीं। ये पर्यावरण दिवस को हम लोग स्पेशल काम करेंगे, याद कराइएगा हमको। कई तारीख को, 5 जून को नहीं याद कराइएगा, 4 जून को याद करा दीजिएगा हमको, ठीक है ना। कैसे आप याद नहीं रखिएगा, हो सकता है कहीं हम भूल जाए। क्या पर्यावरण को शुद्ध करने का ठीक है हमने है कि हम सब का पूरे धरतीवासी का है,
तो इसलिए हम सब याद रखेंगे, हम भी याद रखने की कोशिश करेंगे, आप भी याद रखिएगा। 4 जून को हम लोग इन्फॉर्म करेंगे सभी आदमी आपस में, आप 5 जून को मनाएंगे। 5 जून को मनाना है तो 5 जून को थोड़ी ना पौधा लेके आएंगे, 4 जून का ना दिमाग लगाएंगे यहाँ कल पौधा लेके आना है, घास लेके आना है, कौन फूल का लाना है। हम भी सोचते हैं कि गमला लगवाई देते इसी मौका पर, कम से कम 50 गमला लगवा देते हैं पूरा एकदम, पूरा यहाँ से लेकर छत तक पूरा एकदम गमगमाइत रहेगा, है ना। 50 गमला पता करते हैं कहाँ मिलता है गमला, बढ़िया सा गमला कोई लेके आराम से लगवा देते हैं, नहीं तो 50 गमला बनवाइए देते हैं सबसे बढ़िया, नहीं अगर मिलेगा तो बनवा लेंगे, अब मिल गया तो ठीक। अब देखिए अरे तो एक उपाय और है, कंटर वाला व्यवस्था, कंटर में भी बहुत अच्छा हो जाता है, गमला बेकार लगता है कभी कभी। आगे देखते हैं, याद रखिएगा प्रजातंत्र दिवस कब मनाता है, अला है डाकुओं की अर्थव्यवस्था क्या है, मानव का एवं तकनीकी शोधात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। देखिए कहलाता है क्या डाकुओं की अर्थव्यवस्था, डाकू क्या करता है, डाकू काम है कोई आदमी कमाए और जो आदमी कमाया उसको धक्का लूट के ले आए, तो क्या करता है मानव एवं तकनीकी के क्या है शोषणात्मक दोहन है प्रवृत्ति, मतलब ये डाकू क्या करता है दोहन करता है, वो कमाता नहीं, डाकू कमाता नहीं है, डाकू किसी कमाया हुआ धन को लूट लेता है, शोषण करता है उसका, है ना। डाकू का अर्थव्यवस्था वो ऐसा नहीं है, ठीक नहीं है। अला है अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है, कहा किसी भी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अप क्या है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, मतलब इसमें आप अपना कोई भी पैसा कमाने का काम कर सकते हैं, बोले ना वहाँ तक जाके आप मछली पकड़ सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, ये आपका अप क्या है अपवर्जक क्षेत्र है, यहाँ पे आपका अधिकार है। अला क्या है स्मरणीय तथ्य को हम लोग नहीं करेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या प्रश्न उत्तर, वस्तु निष्ठ प्रश्न उत्तर, है ना। क्या आप लोग सब प्रश्न उत्तर बनाए हैं,